नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज के इस एपिसोड में विप्रो को डिस्कस करेंगे और साथ में इन्फोसिस के चार्ट को भी लेंगे। और जैसा कि आपको पता ही है कि 11th को इन्फोसिस का रिजल्ट और 11th को इन्फोसिस का रिजल्ट और 12th को जो रिजल्ट आएगा वो आएगा विप्रो को। और जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि इस समय थोड़ा कौशन बरतेंगे, क्योंकि पिछले 5 दिन में देखें तो विप्रो में लगभग 5% की गिरावट दिखी है और इस समय थोड़ा आपको कौशन रहना चाहिए, क्योंकि क्वार्टरली नंबर्स काफी इंपोर्टेंट हैं आगे के ट्रेंड के लिए। तो एपिसोड में आगे बढ़े इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से चाहे तो अकाउंट ओपन कर लेंगे। इंडिविजुअल कुछ भी बड़ी न्यूज नहीं है, सभी कॉमनली न्यूज ही दिखेंगे। अगर यहाँ भी अपडेट्स में आएंगे तो एक न्यूज 5 जनवरी का था, मिडिल ईस्ट DMMC करके स्टेप डाउन सब्सिडरी को करा था। क्यों? क्योंकि उसने वॉलेंट्री को डिसॉल्व करे थे। और मुझे लगता है कि ये सब न्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है या बहुत बड़े इंपैक्टफुल नहीं होने वाले हैं। टेक्निकल ट्रेंड इस समय वीक हो रखा है, ना केवल विप्रो का बल्कि पूरे सेक्टर में ही थोड़ी बहुत गिरावट दिखी। और जो डिलीवरी बेटर है, जो ट्रेंड है वो वीक है। और आज के कामकाज में भी 50 लाख के वॉल्यूम के साथ 37% की डिलीवरी गई, लेकिन चार्ट अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम के दिखाऊं तो सभी ट्रेंड यहां से हटा दूं तो ये एक रेजिस्टेंस रहा था 480 का और यहां से एक ब्रेकडाउन दिखा। अब ये सपोर्ट जो मेजर हो सकता है वो 420 से ये 420-430 का लेवल एक सपोर्ट हो सकता है। तो अगर ऑलरेडी आपने इसको शॉर्ट कर रखा है तो नियर अराउंड जो है 468 के SL को आप लेंगे और नीचे की तरफ जो टारगेट है आपका 420 के आसपास का टारगेट होना चाहिए। और जो इन्वेस्टर हैं वो भी याद रखेंगे, या तो 468 के ब्रेकआउट पे लॉन्ग करेंगे या फिर एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट का वेट करेंगे। और मुझे लगता है कि रिजल्ट से पहले थोड़ी बहुत गिरावट दिख सकती है। और लॉन्गर टाइम फ्रेम यानी मंथली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो एक बार 470 के आसपास के लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है, 468 ही मान लें, तो फिर पोटेंशियल है स्टॉक में 582-620 जैसे लेवल्स को दिखने का। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेंड है तो बिल्कुल इस समय कौशन बरतना चाहिए। और इन्फोसिस स्टॉक इस समय अपने जो मेजर रेजिस्टेंस थे उसको ब्रेकआउट करा, यहां से देखेंगे तो अपने मेजर रेजिस्टेंस को यहां से ब्रेकआउट करा और लेवल को रीटेस्ट कर रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे। लेकिन यही अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखा दूं और सभी ड्रॉइंग को मैं हटा दूं तो अब क्या दिखता है? अभी जो ट्रेंड दिख रहा है वो दिख रहा है लोअर लो लोअर हाई। यहां से देखेंगे तो लोअर लो लोअर हाई का ट्रेंड दिख रहा है, एक ये रेजिस्टेंस और यहां देखेंगे ये दिख रहा है। तो मिनिमम ऐसे में क्या होता है, इस चीज को समझे। ये जो लेवल है ना, ये जो डाउन ट्रेंड है इसका मिनिमम 50% यानी 1560 के ऊपर ही लॉन्ग करेंगे। ये डाउन ट्रेंड आप ये मान करके चलिए कि आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है 1400 और 1420 के लेवल्स का। तो ओवरऑल ट्रेंड वीक है और इस समय थोड़ा कॉशन ही बरतेंगे और 1560 के ऊपर ही लॉन्ग करेंगे।